हे व्हाट्सअप गाइस, तो यार अगर आप अपने फोन को बार बार चेंज करते हो, मीन्स आप नए नए फोन्स बदलते रहते हो, तो यार आपके सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत आती होगी डाटा ट्रांसफर की। और उसमें भी अगर आपने एंड्रॉयड से आईओएस पे मतलब आईफोन पे स्विच किया है, तो डाटा ट्रांसफर करना तो यार बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही मूड मारने का काम हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप अपने एक फोन से दूसरे फोन में डाटा ट्रांसफर सिर्फ एक क्लिक में कैसे कर सकते हैं, चाहे वो एंड्रॉइड टू आईओएस हो या फिर आईओएस टू एंड्रॉइड हो। आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक करना है और सारा डाटा ट्रांसफर, डाटा भी ट्रांसफर कर सकते हो, फाइल्स ट्रांसफर कर सकते हो, ऑडियो वीडियो फाइल्स एपीके जो भी है सारी चीजें आप ट्रांसफर कर सकते हो, यहाँ तक की व्हाट्सएप की चैट हिस्ट्री भी एक ही क्लिक में ट्रांसफर कर सकते हो। तो बस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आया तो यार लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना, जिससे आप मैं कोई भी वीडियो डालूंगा आप सबसे पहले उससे नोटिफाई हो पाओ। तो यार बस वीडियो को पूरा देखते रहना। तो चलिए बिना देरी करे वो चलते अपनी वीडियो की तरफ। सर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, सिंपल आपको लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप, अगर आपका लैपटॉप विंडोज है तो आपको जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ट्राई फ्री विंडोज वाला, इस पर क्लिक कर देना है। और अगर आपका मैकबुक है तो आपको सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ से ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा आपके लैपटॉप में और मैकबुक में। डाउनलोड होने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट कर करके आपको ये इंस्टॉल कर लेना है। एक बार ये इंस्टॉल हो जाता है, इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या आपको करना पड़ेगा। तो यार आप जैसे ही इसको इंस्टॉल कर लोगे आपके सामने कुछ ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, डाटा रिकवरी, फोन मैनेजर, व्हाट्सएप ट्रांसफर, स्क्रीन अनलॉक, सिस्टम रिपेयर, फोन ट्रांसफर, फोन बैकअप, डाटा इरेजर, वर्चुअल लोकेशन, आपको काफी सारे इसमें ऑप्शन मिल जाएंगे। बट अपन को जो यूज करना है वो है थर्ड नंबर वाला फोन ट्रांसफर। तो सिंपल आपको फोन ट्रांसफर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फोन ट्रांसफर पे क्लिक कर दोगे आपको क्या है अपने लैपटॉप में या मैकबुक में दोनों जो डिवाइस हैं वो कनेक्ट कर देने हैं यूएसबी केबल के थ्रू। ठीक है, जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे हो दो डिवाइस आपको कनेक्ट कर देने हैं। आप जैसे ही कनेक्ट कर दोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे डाटा मतलब ट्रांसफर करने के, जैसे कॉन्टैक्ट्स हो गया, कॉन्टैक्ट्स की ब्लैक लिस्ट हो गई, टेक्स्ट मैसेज हो गए, कॉल लॉग हो गया, कैलेंडर, रिमाइंडर, अलार्म, बुकमार्क, वॉइस मेल तक आप इसमें ट्रांसफर कर सकते हो। सारी चीज़ें, फोटोज, वीडियोस, म्यूजिक, सब चीज़ आप इसमें एक क्लिक में ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल आपको जो जो चीज़ ट्रांसफर करनी है वो उस चीज़ पे आपको राइट क्लिक कर देना है, मतलब क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ जो नीचे स्टार्ट ट्रांसफर लिखा हुआ है आपको स्टार्ट ट्रांसफर पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही स्टार्ट ट्रांसफर क्लिक करोगे आपकी जो प्रोसेसिंग है वो चलने लग जाएगी बहुत ही तेज़ी से। ये बहुत ही तेज़ी से काम करता है, ये आपका डाटा ट्रांसफर बहुत ही फास्ट तरीके से करता है। जैसे ही आपका डाटा ट्रांसफर हो जाएगा ये सारी चीज़ बता देगा, सक्सेस लिखा आ जाएगा। जैसे वॉइस मेल है, वॉइस मेल जैसे ही आपके सारे ट्रांसफर हो जाएंगे सक्सेस लिखा आ जाएगा। म्यूजिक सारे ट्रांसफर हो जाएंगे सक्सेस लिखा आ जाएगा, चाहे वो माई कॉन्टैक्ट हो या फिर वीडियोज़ हों, ऑडियोज़ हों, या फिर यहाँ तक कि व्हाट्सएप की चैट हिस्ट्री हो, वो भी इसमें ट्रांसफर हो जाती है। तो यार बस आपको सिंपल कुछ नहीं करना, बहुत इजी वे में आप इसको कर सकते हो। आपको सिर्फ फोन ट्रांसफर पे क्लिक करना है, दोनों डिवाइस को अपने लैपटॉप या मैकबुक में कनेक्ट करना है, चाहे वो आईओएस हो चाहे वो एंड्रॉयड हो, आप कैसे भी उसको कनेक्ट कर दीजिए यूएसबी के थ्रू। और बस आपको सिलेक्ट करना है आपको क्या क्या ट्रांसफर करना है और आपको स्टार्ट ट्रांसफर करके ट्रांसफर जो है स्टार्ट कर देना है। बस आपको यही करना है और आपका सारा डाटा एक ही बार में ट्रांसफर हो जाएगा, आपको कोई हेडेक लेने की, कोई मूड मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यार बस ये थी मेरी वीडियो, पसंद आ गई हो तो यार लाइक जरूर कर देना, और अगर अच्छी लगी हो तो यार मतलब अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो आप, जिससे कि वो भी इस ट्रिक को जान पाएँ और अपना जो डाटा ट्रांसफर है वो जल्दी से जल्दी कर लें। तो यार बस चलता हूँ, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।